आप सभी लोगों को मालूम होगा जो जापान का शहर है टोक्यो, एक बार आप लोगों को मैप में भी दिखा देता हूँ। देखिए हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से आप जाएंगे तो जापान का एक शहर पड़ता है टोक्यो। यहाँ आपके ओलंपिक 2020 के जो गेम्स होने थे वो खेले जा रहे हैं। वैसे ये 2020 में होना था, लेकिन आपने देखा है कि कोरोना ने किस तरह से अपने पैर पसारे थे, और दुनिया भर आपने देखा है कि उससे प्रभावित भी रहा है। तो इसे आगे बढ़ाकर, एक साल आगे बढ़ाकर 2021 कर दिया गया था, समझ रहे हैं आप लोग? तो यही हो रहे हैं। और आपने देखा है कि पीवी सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर रजत पदक जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आप देखेंगे कि ओलंपिक खेलों में हमारा कोई अच्छा खास प्रदर्शन नहीं है, हम नीचे से टॉप कर रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे कि चाइना को देख लीजिए आप लोग, यूनाइटेड स्टेट्स को देख लीजिए यानी कि अमेरिका को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, हमारी स्थिति बुरी बनी हुई है। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, पीवी सिंधु की क्या सफर रहा है, इनके जीवन के और भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, जो पहलू हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, और एक सामान्य जानकारी आपको ओलंपिक के बारे में दे देंगे। इसी में अगर हम लोग ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक खेल की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी, और ये धार्मिक उत्सव का एक आंतरिक हिस्सा था। यह ग्रीस के ओलंपिया में जीवस, ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। और आप लोगों ने एक और सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे आप लोग IOC के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिए, ओलंपिक का सर्वोच्च प्राधिकरण है, और यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, और यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है और सभी समयबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है। और 1948 से आप देखेंगे हर 4 साल में एक बार आपके ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि 2016 में हुए थे, अब 2020 में होने थे, जो एक साल बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, पीवी सिंधु की कहानी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने देखिए, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको इनकी फोटो दिख रही होगी, ये है आपकी पीवी सिंधु। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें, पीवी सिंधु, तो इनका आप देखिए शॉर्ट में इन्हें बोला जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। और इनका जन्म कब होता है? 5 जुलाई 1995 को। कहाँ होता है इनका जन्म? हैदराबाद, भारत में जन्म लेती हैं। हैदराबाद आप देखे रहे हैं ना, तेलंगाना की बात हो रही है, तो इनका जन्म तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में होता है, ठीक है। अगर हम लोग इनके पिता की जी की बात करें तो आप देखेंगे पीबी रमन इनके पिता थे, जो आप सभी जानते होंगे कि पूर्व बॉलीवुड बॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं, वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। और इनकी अगर हम लोग माता की बात करें तो पी विजया इनकी माता हैं, और जो आप देखेंगे पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी ये भी रही हैं। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें, पीवी सिंधु की शिक्षा की बात करें, तो इन्होंने MBA किया हुआ है। क्या किया हुआ है? MBA किया हुआ है। और शुरुआती स्कूल स्कूली शिक्षा की बात करें तो ऑक्सिलियम हाई स्कूल सिकंदराबाद से इन्होंने शुरुआती की शिक्षा ली थी। और कॉलेज की बात करें तो आप देखेंगे सेंट एन कॉलेज फॉर वुमेन बीमेन मेहदीपट्टम से इन्होंने आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखी थी। अगर हम लोग इनके शौक की बात करें तो इन्हें फिल्म देखना बड़ा अच्छा लगता है, और आप में से भी आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोगों को मूवी देखने में अच्छा लगता होगा। इसमें अगर हम लोग पसंदीदा नेता की बात करें तो महेश बाबू, प्रभास, ऋतिक रोशन इनके फेवरेट एक्टर हैं, और आपके भी होंगे। महेश बाबू आप देखते हैं कि अच्छी मूवियाँ बनाता है, प्रभास को भी आप लोग जानते हैं, ऋतिक रोशन को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से पसंद भी कहते हैं। अगर हम लोग पसंदीदा अभिनेत्री की बात करें तो दीपिका पादुकोण इनकी पसंदीदा अभिनेत्री हैं।
और इनकी अगर हम लोग पसंदीदा एथलीट एथलीट की बात करें तो रोजर फेडरर, राफेल नडाल और उसेन उसेन बोल्ट क्या हैं, इनके पसंदीदा एथलीट हैं। और अगर हम लोग व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इनके कोच की बात करें, एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुरु ही मान लीजिए, पुलेला गोपीचंद इनके गुरु हैं। ये तो एक तरह से इनकी एक सामान्य जानकारी हो गई। सबसे जरूरी जो आप लोगों को जानना चाहिए वो है इनका सफर। कई बार इन्हें असफलताएं भी देखनी पड़ी, कई बार आप देखेंगे सफल भी हुए हैं। और आप देखते भी कि एक व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी जिंदगी में सफलताएं भी आती रहती हैं, असफलताएं भी आती रहती हैं, लेकिन मायने ये रखता कि सफलता कितनी तगड़ी है, उसी हिसाब से आपको याद रखते हैं। तो आप देखेंगे कि महबूब अली से बैडमिंटन की एबीसी यानी कि शुरुआत में इन्होंने इनसे कुछ सीख ली। फिर आप देखेंगे कि पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन अकादमी को इन्होंने ज्वाइन किया और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने बैडमिंटन में भी महारत हासिल की हुई है, और उसी का आप लोग रिजल्ट भी देख रहे हैं। एक तो आप देखिए कि हमारे देश में आप लोग भी जानते हैं कि देखिए प्रशिक्षण हो, इस तरह की सुविधाएं हो, बेहतर नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए हम देखते हैं ओलंपिक में हम लोग पीछे रह जाते हैं। आप देखिए जो हमारे पड़ोसी चाइना जो सुविधाएं देता है, जापान जो सुविधाएं देता है, अमेरिका जो सुविधाएं देता है, अगर वैसे हमारे देश के खिलाड़ियों को अगर सुविधाएं मिलें तो वो भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं। 2000 अब इनकी शुरुआत की बात करें तो आप देखेंगे कि 2009 में सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमखम का परिचय दिया। कब पहली बार? 2009 में। उन्होंने 2009 में कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। और इसमें आप बात करें तो देखिए 2010 में इन्होंने ईरान फज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में भी रजत पदक जीता था। और इसी वर्ष आप देखेंगे कि 2010 में ही 2010 में ही इन्होंने मैक्सिको में आयोजित जूनियर बैश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में और थॉमस और यूबर कप में भी भारत की ओर से खेली और साहसिक प्रदर्शन भी किया था। ये 2010 की बात है। कब की बात है? 2010 की कहानी है। फिर आप देखेंगे दो हजार ग्यारह आता है, और 2011 में आप देखेंगे डगलस कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक, सिल्वर, और उसके बाद आप देखते हैं ब्रॉन्ज होता है, ठीक है? तो सिल्वर इन्होंने जीता था 2011 की बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे आता है 2012, तो सिंधु के जीवन में उल्लेखनीय सफलता 7 जुलाई 2012 को आई। कैसे आई? इन्होंने एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप में के फाइनल में जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को हराया था और चाइना मास्टर सुपर सीरीज टूर्नामेंट में लंदन 2012 चाइना की ओलंपिक्स गोल्ड मेडल लिस्ट ली। इनका नाम क्या था? ली जुए रेई। क्या? जुए रेई। इसे आप लोग जिस तरह से भी उच्चारण करें कर लें, बड़ा उच्चारण करने में बड़ा मतलब आप देखिए कि बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह के नाम। देखिए आप लोग लेकिन याद रखना चाहिए कि उस तरफ आप देखेंगे उन्हें आसानी होती होगी इस तरह के नाम रखने में और लेने में, लेकिन हमारे यहाँ आप देखते हैं कि राम श्याम इस तरह के नॉर्मल नाम रखे जाते हैं, समझ रहे? तो इन्हें हराकर इन्होंने 2012 की कहानी हो गई इनकी। फिर आता है 2013, तो 2013 में सिंधु ने चीन के ग्वांगझू में आयोजित 2013 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल पदक जीतकर इतिहास रचा था, और ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला बैडमिंटन थी। और इसी साल 1 दिसंबर 2013 को सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को हराकर मकाऊ ओपन ग्रैंड प्री गोल्ड का महिला सिंगल्स खिताब भी जीता था। और दिसंबर 2013 में ही पीवी सिंधु ने भारत की 78वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का
महिला सिंगल किताब भी अपने नाम किया था। तो ये 2013 में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की उनकी गिनती है। फिर आता है 2014। तो 2014 में आप देखेंगे कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स सिंगल में सेमीफाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद वे हार गई थी। यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और फिर आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लगातार 2 मेडल जीतने पर उन्होंने इतिहास रच दिया और वे ऐसी करने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है, आगे आप देखेंगे 2015 आता है, और 2015 में आप देखेंगे मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में अपना तीसरा वुमेन सिंगल्स जीता था इन्होंने। और 2016 में भी बर्स की शुरुआत में ही मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वुमेन्स सिंगल भी जीता था। और 2016 को ही 2016 में समर ओलंपिक्स आपके हुए थे, तो जापान की नोजोमी ओकुहारा को वुमेन्स सिंगल में हराया था। तो इसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे अच्छी सफलता जिसके कारण वो चर्चा में आई वो थी 2016 की पीवी सिंधु ने ब्राजील के रियो जिनेरियो में आयोजित आपके जो ग्रीष्मकालीन खेल खेल हुए थे ओलंपिक के, इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और एकल खिताब में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी थी। फाइनल में आपने देखा होगा कि सिंधु का मुकाबला विश्व की प्रथम खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मेरिन के साथ हुआ था, लेकिन सिंधु आखिरी समय में कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी और हार गई थी। उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। ये 2016 की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे। फिर आप देखेंगे 2016 में ही आपके गुवाहाटी दक्षिण एशियाई खेल खेल हुए थे। इसमें महिला टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2017 में ही आप देखेंगे कि मार्च से अप्रैल के बीच इंडिया ओपन सुपर सीरीज का आयोजन दिल्ली में हुआ था, और इसमें सिंधु का मुकाबला विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना से हुआ था, और सिंधु ने उनको हराकर नया इतिहास रच दिया था। तो ये 2017 में जो सफलता मिली वो है। 2017 में ही आपने देखा होगा कि कोरिया में कोरिया ओपन सुपर सीरीज हुई थी, और इसमें सिंधु का सामना जापान की ओकुहारा से हुआ था, और उसको फाइनल में इन्होंने हरा दिया था। इसके साथ ही सिंधु पहली भारतीय महिला बन गई थी जिन्होंने कोरिया ओपन में जीत हासिल की थी। पहली भारतीय महिला होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें से एकमात्र व्यक्ति महिला ऐसी है। ठीक है, और 2018 में सिंधु ने गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था, और सिंधु ने मिक्स्ड टीम इवेंट में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता था, और इसके साथ ही महिला एकल में उन्होंने सिल्वर मेडल मिला था। ये 2018 की कहानी है जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे गोल्ड कोस्ट में। फिर आप देखेंगे कि दिसंबर 2018 में चाइना में BWF वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट में हुए, और इसमें सिंधु ने फाइनल मुकाबला जीत लिया था, और सिंधु यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी। और 2018 में सिंधु को प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने कमाई के आधार पर हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 की सूची में 7वां स्थान रखा था। तो ये भी आप लोग याद रखिए। फिर आपने देखा है 2019 आता है, और 2019 की शुरुआत में ही भारत में PBL का आयोजन होता है, और जहां सिंधु को नीलामी के दौरान हैदराबाद हंटर्स ने खरीदा था, और सिंधु इस पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और वे सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। फिर आता है 2020, तो 8 मार्च 2020 को पीवी सिंधु को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था। फिर आप देखेंगे साल 2021 आता है जो अभी चल रहा है, आने वाले समय में किस तरह से इनका प्रदर्शन रहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और साल 2021 में सिंधु ने स्विस ओपन में कैरोलिना मारिन के खिलाफ फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी। और इसी साल सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन में मलेशियाई खिलाड़ी सोनिया छिया को हराकर किसी तरह दूसरे दौर और फिर सेमीफाइनल तक पहुंची थी। सेमीफाइनल में थाईलैंड की फॉर्न पावी चोचू बोंग से हार गई थी। अब देखेंगे आप लोग कि कितने अजीब नाम हैं।
शहरों की भी आप देखेंगे बड़े अजीब नाम होते हैं। और अब आप बात आती है 2021 में जो आपके टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं, इसमें तो इसमें सिंधु ने चीनी खिलाड़ी बिंग जियाओ को हराकर जीता है क्या ब्रॉन्ज मेडल। इसे आप लोग क्या कह सकते हैं, पीतल, पीतल आप लोग जानते हैं, उसी की बात की जा रही है। और तो अभी तक की यही कहानी है। आने वाले समय में आप लोग शुभकामनाएं दीजिए, ऊपर वाले से दुआ करिए कि गोल्ड लाए। कुछ पीवी सिंधु को अवार्ड भी मिले हुए हैं, उन्हें भी याद रखिए, आपकी परीक्षाओं में भी इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, 2015 में पद्म श्री से नवाजी गई थी, और 2014 में FICCI की तरफ से स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला था, और 2014 में ही NDTV की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान इन्हें दिया गया था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से 10 लाख का पुरस्कार 2015 में मिला था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से 5 लाख का पुरस्कार इन्हें 2016 में मिला था। फिर आप देखेंगे 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न भी इन्हें मिला था, और आप देखेंगे 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको पुरस्कार तो मिलेंगे। लेकिन आपने देखा है कि 2016 में रियो ओलंपिक्स के बाद इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं उन्हें भी आप लोग एक तरफ देख लीजिए। तेलंगाना सरकार की तरफ से 5 करोड़ और जमीन पुरस्कार स्वरूप दी गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से इन्हें 3 करोड़ की राशि, ग्रुप ए कैडर की जॉब और 1,000 यार्ड जमीन पुरस्कार के रूप में दिया गया था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की तरफ से इन्हें 2 करोड़ का पुरस्कार मिला था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा 75 लाख की नगद राशि पुरस्कार में दी गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा 50 लाख की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई थी, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इन्हें 50 लाख की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी गई थी, और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा पुरस्कार स्वरूप इन्हें BMW कार दी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कहानी है पीवी सिंधु की। लेकिन आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, आप देखिए कि इनके जीतने के बाद इन्हें कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इन्हें कितनी मदद दी जा रही है। अगर आप सोचिए कि यही खिलाड़ियों को इसी तरह की मदद उपलब्ध कराई जाए, प्रशिक्षण बेहतर जो भी उनकी इस तरह की जरूरतें हैं उन्हें हम पूरा करें, तो मुझे लगता है कि बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। और यहां तक आप देखिए कि भारत से जो जो भी मेडल, चाहे वो सिल्वर हो ब्रॉन्ज हो, ये जो जीत के आते हैं ये अपनी दम पर जीत के आते हैं। सरकार की तरफ से कितनी मदद होती है इनके लिए आप सभी लोग बेहतर भी जानते हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि चाइना में किस तरह का प्रशिक्षण मिलता है, कितनी मदद होती है खिलाड़ियों की, कितना उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनके प्रशिक्षण पर कितना ध्यान दिया जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। आप देखिए हमारे देश में जितना क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है, और अगर हम लोग उतना इन खेलों को बढ़ावा दें तो हमारे खिलाड़ी जरूर गोल्ड मेडल ला सकते हैं। आप देखिए अमेरिका में आपने देखा है कि कभी आप क्रिकेट के बारे में नहीं सुनते हैं कि अमेरिका के खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर आप लोग चाइना के खिलाड़ी क्रिकेट में भाग ले रहे हैं, लेकिन भारतीय में आप देखते हैं कि किस तरह से भारी भरकम प्रचार प्रसार होता है, भारी भरकम पैसा खर्च किया जाता है, और दूसरी तरफ आप देखिए इन खिलाड़ियों का क्या हाल रहता है। ये जैसे तैसे अपना जिंदगी गुजारा करके, मेहनत करके अपनी दम पर जाते हैं वहां, और जो हासिल हो उनकी देखिए वही बहुत बड़ी कामयाबी होती है। जब कहीं से आपको मदद ना मिल रही हो और आप अगर कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए यही पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा, और वैसे भाई हमारे देश के खिलाड़ी हैं तो आप लोगों को तब भी मालूम होना चाहिए, और आपको तब और ज्यादा खुशी होती अगर गोल्ड मेडल जीतती। इनसे पहले आपने देखा है कि मीराबाई चानू ने भी आपका इसमें जो ओलंपिक हो रहे हैं टोक्यो जापान में, इसमें सिल्वर जीता हुआ है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है, तीसरे नंबर का है। पहले पर आप देखते हैं गोल्ड आपको देखने को मिलेगा, अभी तक हम लोगों ने गोल्ड नहीं जीता हुआ है। हम लोगों तो को तो वो मतलब दिन देखना मतलब होना चाहिए कि हम लोग चाइना से ऊपर जा रहे हैं, अमेरिका से आगे निकल रहे हैं,
हम लोग गोल्ड मेडल जीतने में। खैर छोड़िए, जो भी है अच्छी बात है, लगे रहिए, आप लोग भी देखते रहिएगा, असफलताएं आती रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है, एक दिन अच्छी सफलता पर हाथ लगाइए और चर्चा में आ जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग इंजॉय इंजॉय करते रहिए।